यहाँ तो लग रहा है चमत्कार है, चमत्कार मतलब हर चीज का व्यवस्था। जैसे ही आए हैं वैसे ही, इतना तो घर में भी नहीं आदमी का पूछे, बस यही आस्था लगा के आए हैं कि आत्मा धैली भगवान पूरा कर दलन। खाना एक नंबर व्यस्त है, भगवान का लीला है मंदिर के अंदर। और बोलिए बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की जय। जो भक्त के पास नहीं पैसा रहेगा वो भक्त को हम पिलाएंगे, शुक्र का दया मांगेंगे। देख सकते हैं यही हनुमान जी का प्रतिमा है जो कि 20 फुट मतलब जो 20 फुट हाइट का बनाया गया है, देख सकते हैं। और बगल साइड में देख सकते हैं कलश रखा हुआ है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि कलश का जो संख्या होगा 10,000 संख्या होगा, देख सकते हैं कलश रखा हुआ है। और साइड साइड में देख सकते हैं जैसा कि बताया जा रहा था कि पंचकर्मा करना है, यानी चारों तरफ घूम घूम कर पंचकर्मा करना है, तो उसी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं व्यवस्था किया गया है। आप लोग पंचकर्मा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, 11, 21 या 51, 101 मतलब जितने बार आप चाहेंगे कर सकते हैं। देख सकते, बताइएगा सर जी आप कहाँ से आए हैं? जी हम नजदीकी से आए हैं, गुनपुरा गांव से। अच्छा, क्या मतलब आस्था लेकर के आए हैं बाबा के पास? जी हम सुने कि यहाँ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का प्रोग्राम होने वाला है, तो उन्हीं का आज कलश यात्रा था। अच्छा, वही देखने आए हैं और इस प्रोग्राम में अपने घर के फैमिली को भी लाना चाहते हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं बाबा से, मतलब क्या आस्था आप लगा करके आए हैं? मतलब कि बाबा से यही आस्था लगा के आए हैं कि उन्हीं से उनका दर्शन करेंगे, उन्हीं से प्रवचन सुनेंगे। अच्छा, जो भी मांगेंगे बाबा से उन्हीं से मिल जाएगा नहीं? जी। तो क्या मतलब सोच करके आए हैं कि बाबा से, मतलब आपको लगता है कि बाबा से जो मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा? जी ऐसा है, लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं और बाबा तो मेरे निवास स्थान पर ही आने आ रहे हैं, तो हम क्यों दूर रहे हैं? कभी का पूरा होता तो मेरा नहीं पूरा होगा। तो पूरे आस्था से आए ना जी, और पूरे चाहते हैं कि फैमिली का जो भी मतलब मन का जो है मतलब मांगे वो पूरा हो जाए नहीं? तो गाइस देख सकते हैं, अगर आप भी अपने पटना बिहार से हैं या बिहार में कहीं से भी है, अगर आप आना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि सब यहाँ आए और बाबा से भेंट करें, अपना अपना इच्छा को भेंट करें, यहाँ पर सभी का मनोकामना होगा, क्योंकि सभी का मनोकामना पूरा होता है तो उनका भी मनोकामना पूरा होगा। सो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से कुछ नजारा, और कुछ व्यक्ति से हम बात भी किए हैं, तो देख सकते हैं कितने आस्था के साथ मतलब लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, पूरे मन से मतलब एकजुट हुए हैं, और सभी को मतलब ऐसा उम्मीद है कि मतलब जो मांगेंगे वो पूरा जरूर होगा। सो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कुछ भीड़ था, और अपने पटना बिहार से कहीं से भी है अगर आप आना चाहते हैं इस दरबार में तो आप लोग आ सकते हैं। बिल्कुल मतलब यहाँ पे हर चीज का व्यवस्था किया गया है, निःशुल्क है हर चीज का, यहाँ पे भंडारा वगैरह सब, रहने वगैरह का सभी चीजें का सुविधा है, तो आप लोग आ सकते हैं। और भी कुछ इसी तरीके से खास चीजें हम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। सो दोस्तों देख सकते हैं ये लोग मतलब खा रहे हैं भंडारे की तरफ से, क्या मतलब क्या कैसा मतलब लग रहा है आपका? खाना एक नंबर बेस्ट है, भगवान का लीला है, बिल्कुल प्रसाद के रूप में तो अच्छा लगेगा ही। तो क्या मतलब और जो भी मतलब भक्त जनों जो आने वाले उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका, मतलब यहाँ पे आएंगे? भक्त लोगों के लिए सब सेवा है, फ्री है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, हाईवा रोड सब बना हुआ है, पटना से लोकेशन भी भीड़ है आपका है। अच्छा भैया, और यहाँ सुख सुविधा का सारा इंतजाम, हर चीज का व्यवस्था किया गया है? हर चीज का, किसी प्रकार कोई डरने की दुविधा है नहीं। अच्छा, आप लोग आइए प्रेम से, या भक्त लोग आइए रहिए, बाबा का प्रवचन सुनिए। अच्छा, ऐसा कोई रूल भी है कि मतलब एक दिन रह करके यहाँ से मतलब जाना है? ऐसा कुछ नहीं, नहीं हम तो यहाँ का भक्त है, कब का मठ है, पुराना मठ है, 500 वर्ष पुराना मठ है। अच्छा, सरकार चाहती तो मठ कब तक चमक चुका होता। अच्छा, मतलब यहाँ रहने वहने का सभी चीज़ का सब चीज़ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी व्यक्ति आ सकते हैं, कहीं से भी सगरों से हाइवा से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल 10 रोड है यहाँ पर। आप आए हुए मीडिया कर्मी, अभी पता से आपको डूबा हुआ अभी तक? यही कश्मीर में जाते तो आपको दुविधा होती, अभी तक आप उड़ चुके होते बम से, यहाँ पर बम से आप नहीं उड़ सकते हैं। चलिए सो दोस्तों देख सकते हैं इसको स्टोर रूम बनाया गया है, देख सकते हैं जो भी मतलब अनाज है इसी स्टोर रूम में रखा जाएगा, और देख सकते हैं इस रूम का जो साइज है कितना बड़ा है, और किचन का भी हम सो दोस्तों देख सकते हैं ये जो जगशाला बनाया गया है, और देख सकते हैं यहाँ 7 दिवसीय योग चिकित्सा शिविर, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बैनर लगा हुआ है, और यहाँ बैठते उठते हैं, और देख सकते हैं इसको भी पूरी तरह से मतलब पेंटिंग वेंटिंग का जो काम है पूरी तरह से कर दिया गया है, और कितना बेहतरीन लग रहा है देखने के बाद, देख सकते हैं। सो दोस्तों अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर का जो भी खास चीज़ें होगा हम बताने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो चलिए अंदर चलते हैं। बताइएगा मैम कहाँ से हैं आप? एक मिनट, कहाँ से हैं बताइएगा? बलुआ से। पटना से? बलुआ से। कहाँ पे पड़ता है बलुआ?
सरायपी। मतलब किस आस्था से आए हैं आप, मतलब बाबा से मिलने आए हैं? मतलब कितना दिन आपको रहना है यहाँ पे? कल चल जाइए, 17 बजे जाएगा, 3 दिन रहिएगा? नहीं, 5 दिन, 6 दिन रहिएगा। 6 दिन रहिएगा। तो व्यवस्था यहाँ पे, मतलब व्यवस्था हर चीज़ की व्यवस्था किया गया? सब चीज़ किया है। अच्छा, व्यवस्था किया गया है, खाना पीना सब, रहने वहने सबका? सब चीज़ किया है, मतलब तैयारी से आए हैं। अच्छा, क्या मतलब और जो भक्त आने के लिए मतलब तैयार होंगे, क्या क्या कहना चाहिए उनके लिए, जो और भी आना चाहेंगे उनके लिए? आना चाहिए, आना चाहिए, जो मन्नत मांगे वो पूरा हो जाएगा? नहीं, जरूर होगा। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जो मांगे वो पूरा हो जाएगा? नहीं, सभी का पूरा होता है तो मेरा भी पूरा होगा? नहीं, सही। एक बार बोलिए बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम की जय। सो दोस्तों, देख सकते हैं मंदिर के अंदर का इस तरह से कुछ परिसर है, देख सकते हैं अंदर का कुछ व्यू है इस प्रकार से, देख सकते हैं। और बहुत सारे भक्तजन जो है मतलब आकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना आराम कर रहे हैं। और बहुत सारे भक्तजन ऐसा भी है जो मतलब अपना आज ही आ गए हैं और 17 तारीख के रात तक यहाँ पे रहेंगे। और जैसा कि बता भी रहे थे, और यहाँ पे हम भी आप बहुत सारे व्यक्ति से बातचीत किए हैं, वो बता रहे थे कि हर चीज़ का व्यवस्था किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने खाने पीने सभी चीज़ का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। तो अगर आप लोग भी अगर आना चाहते हैं पटना बिहार या कहीं से भी है, तो आपके लिए जो दरबार है हमेशा के लिए खुला हुआ है, तो आप आ सकते हैं और रह सकते हैं और बाबा से आशीर्वाद लेकर के आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको स्टोन दिखाई दे रहा है, राम सेतु जो पुल बना हुआ था उसी में का एक स्टोन मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोग मतलब नहीं देखे होइएगा तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से कुछ जो स्टोन है, राम सेतु का जो स्टोन है यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं पानी, और यहाँ कुछ मछलियाँ है जो कि है, और अंदर में शंख वगैरह कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं लक्ष्मण जी का जो तो दोस्तों देख सकते हैं राम लक्ष्मण और भरत का जो है मतलब चरण पादुका जो है यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं। और सीता जी का देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ देख सकते हैं ये स्टोन मतलब जो है, जो कि पैर से जो मतलब लगा हुआ था वो स्टोन, यहाँ शंख भी छोटा सा रखा हुआ है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो आप लोग आएंगे यहाँ पे तो ये चीज़ आपको देखने को मौका मिलेगा, श्री रामेश्वर शील दर्शनम, देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। बताइएगा आप लोग कहाँ से आए हैं? सिवान जिला से यहाँ हैं। तो आप लोग मतलब 17 तक रहिएगा क्या? हाँ। 17 तक रहना आप लोग को? हाँ। मतलब पूरा प्रवचन सुनना है? नहीं। हाँ। और आप लोग क्या लगता है, जो मनोकामना लेकर के आए हैं पूरा होने वाला है या क्या? मतलब जो मतलब मन में जो लेके आए हैं वो पूरा होगा ना? पूरा होगा तबे कहीं जाएंगे धाम। पूरा विश्वास है कि पूरा होगा क्या? सो दोस्तों देख सकते हैं, अगर आप लोग भी मन में अगर कुछ सोच रहे हैं, अगर उसको आस्था से लेकर के अगर आएंगे बाबा के दरबार में, तो आप लोग कोई भी मनोकामना जो है पूरा जरूर होगा। तो आप लोग भी आइए इस दरबार में। बताइएगा मैम कहाँ से हैं आप? दरभंगा से। दरभंगा से है क्या? मतलब कुछ व्यवस्था यहाँ पे अच्छा? बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ, तो लग रहा है चमत्कार है। चमत्कार मतलब हर चीज़ का व्यवस्था? हर चीज़ जैसे ही आए हैं वैसे ही, इतना तो घर में भी नहीं आदमी का पूछे। बिल्कुल, जी जहाँ जो आस्था लेकर के आए पूरा होने वाला है एकदम। अब हो आस्था तो ईश्वर के हाथ में। बिल्कुल, हाँ, लेकिन अपना कर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, बस तो यही है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सो दोस्तों देख सकते हैं ये मतलब यहाँ पे झूला मतलब हर झूला यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस मतलब एक मतलब बोला जाए तो एक बहुत बड़ा जग भी हो रहा है, इसको जग भी हो रहा है देख सकते हैं, और तरह तरह का झूला भी लगने वाला है। तो हम दिखाते हैं आपको और बात भी करेंगे झूला वाले से कि क्या कैसे क्या सकते हैं। ये सब जो दुकान लगा हुआ है लग रहा है कि सभी फ्री में पिलाने वाले हैं, लेकिन हम पूछेंगे कि फ्री में पिलाएंगे कि पैसा लेंगे? आप ही लोग का दुकान है? उभार है। सो दोस्तों देख सकते हैं अभी इनको नींद आ रहा है। अच्छा, बताइएगा आप अपने दुकान के बारे में कुछ बता दीजिए, कैसे क्या लगने वाला है? मेला लगने वाला है कल से, बाबा बागेश्वर आ रहे हैं। क्या मतलब भक्त के लिए आप क्या व्यवस्था किए हैं बताइए? भक्त के लिए व्यवस्था किए हैं वही आइसक्रीम बेच रहे हैं, मिल्क शेक, मेवा, लस्सी, काजू शेक, फलूदा, बादाम शेक, सब बेच रहे हैं। प्राइस क्या रहने वाला है? प्राइस वही मतलब जो है जो मार्केट में रेट रहेगा, जो मार्केट में रेट रहता है वही रेट हम लोग भी लेते हैं। अच्छा, कुछ भक्त जो उससे सस्ते देते हैं, उससे महंगा नहीं हम लोग। अच्छा, जिस भक्त के पास पैसा वैसा नहीं होगा उसको पिलाइएगा कि नहीं पिलाएगा? हाँ, निःशुल्क सेवा चल रहा है, पानी है, खाना है। अच्छा, हर चीज का व्यवस्था है यहाँ पे। नहीं, आप स्पेशली पिलाइएगा कि नहीं? जो भक्त के पास पैसा वैसा नहीं होगा, जो भक्त के पास नहीं पैसा रहेगा वो भक्त को हम पिलाएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं अपने मन से मतलब अपने बोल रहे हैं कि हम निशुल्क पिलावेंगे। तो अगर आप लोग मतलब आप लोग के पास अगर पैसा नहीं होगा तो देख लीजिए यही दुकान है, पूजा मेवाड़ फलूदा, इस यहाँ पे आकर के आप लोग लेके पी सकते हैं।
तो चलते इसी तरीके से और भी कुछ मतलब शॉप को दिखाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे शॉपें जो है लग चुका है और मतलब हर चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है। और देख सकते हैं हम लोग जहाँ पे जर्मन पंडाल लगा हुआ था वहाँ से हम लोग चल करके आए हैं। मतलब बताए तो आपको मतलब एक से डेढ़ किलोमीटर के अंदर में जो है मतलब शॉपें लगाया गया है। और आप लोग बताइएगा सर जी कब तक शॉप रखिएगा? हम सर 17 तारीख तक रखेंगे। 17 तारीख तक रहिएगा या मतलब इसका कुछ चार्ज वगैरह भी लिया गया है क्या? नहीं, बिल्कुल फ्री मतलब लगाए आप लोग। हाँ। जिस भक्त के पास अगर रुपया रुपया नहीं होगा उनको खिलाइएगा आप लोगों की? नहीं नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाइएगा। नहीं पूरा आप लोग के तरफ मतलब तरफ से सेवा रहेगा? नहीं पूरा सेवा रहेगा। सो दोस्तों देख सकते हैं हम दो चार शॉपे में पूछे हैं तो सभी लोग बता रहे हैं कि पूरा सपोर्ट रहेगा हम लोग को। तो आप लोग आइए, पैसा रहे या ना रहे, अगर आस्था मन में अगर आस्था है तो आप लोग आइए आराम से यहाँ पे दिव्य दरबार में और अपना जो मनोकामना है पूरा करके जाइए। बताइएगा सर जी सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। सर मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। अच्छा आप लोग यहीं से बिलोंग करते हैं क्या? यहीं से बिलोंग करते हैं। क्या आपका सेवा इसमें मतलब इस दरबार में क्या सेवा दे रहे हैं? सर हम तो एक आम पब्लिक हैं। अच्छा मतलब अभी बाबा को दर्शन करने के लिए आए हैं। मतलब कुछ सेवा वगैरह भी यहाँ कीजिएगा, मतलब काम धाम कुछ मतलब होगा तो कीजिएगा या नहीं? काम मिलेगा तो करवे करेंगे बाबा को सेवा, अपना सेवा दे रहे पूरा सेवा करने के लिए। और जो भी भक्त यहाँ पे आएंगे मतलब कुछ मनोकामनाएं पूरा करने के लिए तो क्या उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? उनके लिए संदेश रहेगा कि बाबा जैसे सबके मतलब जैसे सबका पूरा होता है वैसे मतलब आप लोग का भी पूरा हो, सबका भी पूरा हो। बताइएगा आप दादी माँ की मतलब कहाँ से हैं आप? हम नीतो खजूरी से आ रहे हैं। खजूरी से आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं? हाँ बुआ, गाड़ी ना उन्हें चल रहा है बाबू। अच्छा कलसा उठाए हैं भगवान के, अभी तक उनका चरण में लिए। अच्छा उम्मीद ना हल तो हम लेती हल बाबू, बाकी आ गई ने धर ले ली तब पहुँच गई चल ली ऐजा से मोतेपुर गई, मोतेपुर से कलसा लेके ऐजा आई बा। तो हाँ। कब तक रहिएगा मतलब यहाँ से जाइएगा कि रहिएगा यहाँ पे? ना आज तो चल जाए बिहान मैम सवेरे नहीं यहाँ पीच के बाबू, मतलब रोज आइएगा नहीं? हाँ। मतलब यहाँ पे तब वो तो देह काम करे के होते काहे ये चरण दे भाई। बिल्कुल क्या लगता है मतलब जो मन से मांगिएगा बाबा से वो पूरा होगा या नहीं? होएगा बाबू। बिल्कुल और भी मतलब व्यक्ति को क्या बोलना चाहिएगा जो भक्त आना चाहेंगे आएंगे उनके लिए? सब कुछ वो जहाँ तहाँ आसन लगे कुछ दूर ले लगे तो उनका कितना लोग लगे आ सब ओहे सब और दानी हत बाबू सबके वह दैत हत भगवान जे पूरा करना है रोजी रोजगार देते न मतलब सभी का मनोकामना पूरा होने वाला है। नाती पोता के रोजी रोजगार देती ना सब देती सब खाली सब मिलेगा अगर मन से मांगिएगा तो सभी चीजें मिलेगा मन से मांगी थी भगवान से बेटा के रोजी दा दमाद के रोजी दा दमाद बुरबा खोल है बुझाइते ना है कुछ दिमागे में माल बच्चा टूट है सब बाबा से अगर प्रार्थना कीजिएगा सब कुछ मिलेगा सबके पास उतना आलम है हमने तो अजो आसन लगा के उनका से विनती कर सकली थोड़े वो भेंट होती बाबू जी भीड़ होती जी मन में प्रार्थना हो गया बहुत है बाबा के लिए बाबा सुन लेंगे ऐसा मतलब भविष्य हाँ बाबा चाहिए हाँ हाँ बाबू अब तो मोबाइल सीडी टीवी सब कोई देखी थे कहिए से प्रचार हुई थी बाबू बाकी उनकर आत्मा धैली भगवान पूरा कर दलन कलसा लेने के बाद मतलब लग रहा है कि बहुत कुछ मतलब पूरा हो रहा है ना मने आनंद मिलल ना भूख ना प्यास ना कुछ बाबू हाँ अब फिर चले के मन न करल उनका नाम ले ली तब पारे हो जाए बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सो दोस्तों ये देख सकते हैं विश्रालय बनाया गया है और ये जर्मन पंडाल है और एक गर्म को ठंडा करता है और देख सकते हैं कुछ व्यक्ति है जो कि आ करके मतलब यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं और ये देख सकते हैं मैं पंखा वंखा सभी लगाया गया है और ये मतलब छोटा मोटा नहीं है बहुत बड़ा है इसमें हम मतलब उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें कम से कम व्यक्ति आपको मतलब 1 लाख के आसपास व्यक्ति हैं इसमें आराम से अपना विश्राम कर सकेंगे और व्यक्ति दूर दूर से आए हैं हम एक दो व्यक्ति से बात करेंगे कि वो व्यक्ति कहाँ से हैं आप यहाँ पे? हम तो आए हैं पुनपुन से। कहाँ से? पुनपुन से। पुनपुन से तो यहाँ रहिएगा 17 मई तक? हाँ रहेंगे आज के बाद 17 मई तक रहेंगे। नहीं आप व्यवस्था वगैरह पूरा किया गया खाना? हम लोग हम बर्ची जो आए हैं सब्जी काटने के लिए खाना बनाने के लिए साथ यहाँ सेवा देने आए। हाँ हाँ चलिए बहुत अच्छा बात है। काटते हैं सब सब्जी भी काट करके और जगह ले अपन यहाँ पर जब तक सुविधा मिलेगा जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। बाबा से मनोकामना है कुछ मांग रहे हैं कि नहीं? अभी तक मुलाकात अभी नहीं हुआ होने मतलब मांगी है कुछ मांगी है कि नहीं क्या मांगी है? मांगेंगे क्या शुक्र का दया मांगेंगे अपना जो जैसे सबका पूरा होता है ऐसे आपका भी पूरा होगा क्या? हाँ वही दया मांगेंगे जो सबको भला शुक्र करेंगे जो होगा जो करेंगे अपना।
और जो भक्त आने वाले होंगे उनके लिए क्या बोलना चाहिएगा, मतलब जो आने के इच्छुक होंगे क्या, मतलब आकर के अपना मांगे मांगना का मतलब पूरा करें? नहीं हाँ भाई, मांगेंगे जो मनोकामना भगवान करेंगे जो होगा जो मांगेंगे अपना। अभी तो हम लोग से भेंटे नहीं है, अभी तो हम लोग इधर आए, भेंट होगा कल के बाद, तो भेंट होगा। हाँ कल के बाद तो भेंट होगा करेंगे। अभी तो व्यवस्था ही किया जा रहा है। हाँ अभी तो हम लोग खाने में लगे हुए, अभी थोड़ा देर के लिए आराम। जो भी सेवा हो रहा है आप लोग सेवा दीजिए। हाँ करेंगे, सभी लोग का उसे सपोर्ट रहेगा, मतलब अपना ही नहीं कर। सो दोस्तों देख सकते हैं भंडारण है और जस्ट बगल में आप देख सकते हैं शौचालय वगैरह का भी व्यवस्था किया गया है, मतलब जो विश्रामालय है विश्रामालय के जस्ट बगल में शौचालय का यहाँ व्यवस्था किया गया। और शौचालय की बात करें तो संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी बोले तो 200-250 प्लस मतलब शौचालय यहाँ पे लगा दिया गया है, ताकि जो भी भक्त हैं उनको मतलब कोई दिक्कत ना हो। और देख सकते हैं कुछ व्यक्ति मतलब आकर के अंदर में विश्राम कर रहे हैं, और कल की डेट में बहुत सारे व्यक्ति इसमें विश्राम करने वाले हैं। सो आप लोग देख सकते हैं, और इधर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है पंडाल जो दिखाई दे रहा है भंडारण रूम है, इसी के जस्ट बगल में किचन है, यहाँ पे आपको खाना मिलेगा, यानी भंडारण चलेगा और 24 घंटा भंडारण चलेगा, इसमें कोई एक टाइमिंग नहीं है, तो आप लोग खा सकते हैं और इसमें विश्राम कर सकते हैं। क्या है आप लोग मैम? हम आए हैं समस्तीपुर जिला से, रोसड़ा से आए हैं। हाँ रोसड़ा से, रोसड़ा से आए। बाबा से मतलब बाबा को से आशीर्वाद लेने आए हैं? बाबा से आशीर्वाद लेने आए हैं। क्या मतलब सोच कर क्या है, मतलब सोच कर आए? हमको कुछ नहीं, हमको इतना अपन संभालेंगे बाबा, हम कह दिए बालाजी को हमको भक्ति में दीजिए, हमको गलत कदम कभी नहीं उठाए, हमको गुस्सा नहीं आए, हम कुछ नहीं, कोई कुछ करे हम कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, गुस्सा कंट्रोल करना है, गुस्सा कंट्रोल है हमको। अच्छा। हम गए थे फरवरी में बागेश्वर स्थान। तो आज के बाद 17 मई तक आप रहिएगा? हाँ हाँ रहेंगे, मतलब दीप दरबार में हरदम रहेंगे हम। हाँ और यहाँ पे व्यवस्था की बात करें तो क्या मतलब कैसा लग रहा है व्यवस्था? व्यवस्था बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुशी है, हमको नहीं संभव था इतना व्यवस्था देखेंगे, लेकिन देखे हैं व्यवस्था, बहुत खुश मन हुआ कि बिहार ऐसे ही सुधर हुए। जो व्यक्ति यहाँ पे आना चाहेंगे मतलब हाँ, उनको लिए संदेश रहेगा आपका, क्या बोलना चाहिएगा? उनको उनको बहुत खुशी बात, बालाजी साक्षात आ गए हैं से वो समझेंगे, सबको कल्याण होगा, आकर के मिले और सब मिलेगा, सबको कल्याण होगा, सबको दुख मिटेगा, आकर के अपना आशीर्वाद ले करके। आशीर्वाद ले लीजिए, जब बाबा को दर्शन कर लेंगे सबका दुख मिट जाएगा, हमको इस विश्वास है उन पर। एक बार बोलिए बाबा जी, बालाजी सरकार की, बालाजी सरकार की, बागेश्वर धाम की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। कोई दिक्कत नहीं होने वाला? नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम सब चीज के लिए। देख सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति मतलब जुड़े हुए हैं काम को करने में, और सारे काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा, रात के 11 बजते बजते पूरे कंप्लीट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं इधर टंकी भी रखा हुआ है, जो कि पानी का यहाँ पे मतलब व्यवस्था किया जाएगा, पैर वैर धोने, हाथ वाथ धोने के लिए यहाँ पे किया गया है। और इधर बात करें तो इधर मतलब मेल के लिए और फीमेल के लिए सभी के लिए अलग अलग शौचालय मतलब बनाया गया है। इधर देख सकते हैं इधर भी शौचालय कुछ लगाया गया है, जो कि इधर की बात करें तो इधर 250 प्लस था, लेकिन इधर की बात किया जाए तो इधर भी 250 प्लस मतलब शौचालय दिख रहा है, हालांकि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में दिखाई दे रहा है साफ। और इधर भी देख सकते हैं विश्राम के लिए कुछ बनाया जा रहा है पंडाल, जर्मन पंडाल, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जर्मन पंडाल जो होता है गर्म को ठंडा करता है, और देख सकते हैं उसमें सभी जगह जगह पर पंखा लगा दिया गया ताकि लोग को दिक्कत ना हो। और जैसा कि हम कूलर भी दिखाए हैं, बड़ा बड़ा वाला कूलर भी रखा हुआ था, स्टैंड पंखा भी रखा हुआ था, यानी बात करें तो हर तरह से यहाँ पर पूरे तरह से व्यवस्था किया गया है, तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और पानी का भी व्यवस्था हर जगह किया गया है। सो दोस्तों जो भी यहाँ का नजारा था, जो भी डिटेल था, जो भी व्यवस्था किया गया था, सारा व्यवस्था लगभग आप लोग को बता दिए। सो दोस्तों इसी वीडियो को लेकर के अंत करना चाहेंगे, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन लोग को देखने को मौका मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।